हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव तिवानी। और मेरा नाम है टिया तिवानी। तो पहले तो सॉरी फॉर मैं आज मंडे को शूट करके वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि संडे को मेरे को टाइम नहीं मिला एक्चुअली। तो आज का हमारा जो वीडियो टॉपिक है वो थोड़ा अलग है। वो है थोड़ा फोल्ड कर रही हूँ पेपर, टॉप 10 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। अब मैं अभी सारी नहीं बताऊंगी, क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ मैं अब छोटी वीडियोस डालूं, क्योंकि पहली वाली वीडियोस बहुत लंबी गई हैं। तो मैं 3 के आपको रिसर्च इंफॉर्मेशन बताऊंगी, 3 की रिसर्च इंफॉर्मेशन पैराग्राफ लिख लिया है मैंने यहाँ पर, और बाकी की जो 15 है बाकी की पूरी की वेबसाइट की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जिससे मैंने हेल्प ली है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट मेरे को ऑन करना आ गया, कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू क्रिएटिव तिवानी। तो मैं पहले आपको स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ कौन कौन सी कंट्रीज हैं, पूरी 10 का दिखा रही हूँ मैं अभी। तो जैसे कि आपने स्क्रीनशॉट में देख लिया कि हम कौन कितनी कंट्रीज़ हैं, तो हमारी फर्स्ट कंट्री है USA। या मुझे पता है सबको यही लगा होगा USA था। एंड सो मैं पैराग्राफ पढ़ती हूँ। नोइंगली और अनलोइंगली वी ऑलवेज टर्न टू यूज अमेरिकन इंग्लिश इन आवर कन्वर्सेशंस। जानते हुए या नहीं जानते हुए हम हमेशा अमेरिकन इंग्लिश हमारी कन्वर्सेशंस में लेते ही हैं। When you meet someone after a long time, the first thing that you say is what's up dude? जब आप किसी को बहुत टाइम बाद मिलते हैं तो फर्स्ट थिंग वो आप कहते हैं वो है what's up dude? It has influenced people all over the world to a large extent. इस अमेरिकन इंग्लिश ने पूरे वर्ल्ड के लोगों को इन्फ्लुएंस करा है बहुत ही बड़ी एक्सटेंट पे। वन कैन ईजिली फाइंड आउट इफ ही इज अमेरिकन बाई एक्सेंट। कोई आसानी से जान सकता है कि कोई समझो आप अमेरिकन हो और मैं आपके सामने खड़ी हूँ, तो मैं आपके एक्सेंट से आसानी से जान सकती हूँ कि आप अमेरिकन हैं। यू डोंट हैव टू स्पेंड टाइम टू क्वेश्चन हिम अबाउट हिज ओरिजिन। आपको क्वेश्चन करने के लिए कि आप कहाँ से, टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, बस आप उसके एक्सेंट से जान सकते हैं। अराउंड 225 मिलियन पीपल इन USA स्पीक इंग्लिश। USA में 225 मिलियन पीपल के आसपास लोग इंग्लिश बोलते हैं। दैट्स अ वेरी बिग नंबर। एंड जो सेकेंड कंट्री है ना, उसके लिए आप बहुत प्राउड होंगे। तो आप सोचिए और पिक्चर देखिए उस कंट्री। हिंदुस्तान हमारा है सेकेंड नंबर पे। सेकेंड इंडिया, तो सेकेंड नंबर पे है हमारा इंडिया, यानी कि इंडिया द सेकेंड कंट्री ऑन द लिस्ट इज इंडिया। इस लिस्ट में सेकेंड कंट्री है इंडिया, प्राउड हो रहा होगा ना। थ्रू देयर आर 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया इन स्कूल्स, इंग्लिश इज टॉट एज द फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज। आप सबको पता है कि 22 शेड्यूल लैंग्वेज है इंडिया में, उन सब में से इन स्कूल्स में इंग्लिश फर्स्ट या फिर सेकंड लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाई जाती है। इन इंडिया इंग्लिश इज स्पोकन बाय इन इंडिया इंग्लिश इज स्पोकन बाय 125 मिलियन पीपल। इट्स मतलब USA से 100 मिलियन पीपल का। सो 125 मिलियन पीपल इंग्लिश बोलते हैं, उन्हें हम सब भी आते हैं। तो सीरियसली हम लोगों को लगता नहीं था कि इंग्लिश इंडिया में इतनी वाइडली बोली जाती होगी, बट है। और हाँ, आपने जिन जिन कंट्रीज़ का लिस्ट में सोचा था, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक भी ले लेंगे, फ़ोटो भी दिखाई है मैंने। तो जिन जिन कंट्रीज़ का सोचा था और कौन कौन सी आई, मतलब जैसे आपने सोचा होगा ये कंट्री आएगी पर नहीं आई, वैसे वाला भी मुझे बताना ना। थर्ड इज़ ऑल्सो वेरी अनएक्सपेक्टेबल।
क्योंकि मुझे भी पहले नहीं लग रहा था कि वो होगा, मुझे तो लिस्ट में भी नहीं लगा था पहले तो, बट इट इज सी द फोटो एंड कैसे। तो जैसा कि आपने पिक्चर में देखा ये कंट्री मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी बट है। तो इसका नाम मैं आपको दिखा देती हूँ, एंड नाम भी आपने देख लिया, मतलब पूरा वीडियो पैराग्राफ मैं आपको दिखा रही हूँ। सो लेट्स रीड इट। पाकिस्तान, यस यू हर्ड इट राइट। हाँ आपने सही सुना, एक्चुअली वेबसाइट पे लिखा था, यस यू रेड इट राइट। तो मैंने सोचा मैं रीड थोड़ी ना बोलूँगी यार, तो मैंने सोचा हर्ड लिख लेती हूँ। हर्ड, यस यू हर्ड इट राइट, इट्स पाकिस्तान अमंग द टॉप थ्री। पाकिस्तान ही है टॉप थ्री में। इफ़ यू वुड हैव थॉट दैट उर्दू इज़ प्रेडोमिनेंट इन दिस इस्लामिक स्टेट, वेल यू आर रॉन्ग। अगर आपने सोचा था कि इस इस्लामिक स्टेट में उर्दू कॉमन है तो आप गलत हैं। पाकिस्तान हैज़ उर्दू एंड इंग्लिश एज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज। पाकिस्तान में उर्दू और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, यानी कि दो ऑफिशियल लैंग्वेज। Nearly half of the population speaks English as their second language. Nearly half of the population उधर की English बोलती है अपनी second language की तरह। तो अभी अभी वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है, मतलब थ्री कंट्रीज मैंने 3-4 मिनट में बता दिया, मैं छोटा बना रही हूँ। तो मैं आपको सोच रही हूँ एक और भी बता ही देती हूँ, तो आप उसकी फ़ोटो भी देख लीजिए अपनी स्क्रीन पे। या फिलीपींस, तो हमारी आई है नेक्स्ट, फोर्थ है हमारा फिलीपींस। सो लेट्स रीड द पैराग्राफ। फिलीपींस दिस सेकंड लार्जेस्ट आर्किपेलागो कंट्री हैज बैग्ड फोर्थ प्लेस इन टॉप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। फिलीपींस ये जो सेकंड नंबर पे आती है लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट आर्किपेलागो कंट्री, यानी कि आर्किपेलागो मतलब मैंने सर्च करा था आइलैंड्स का बहुत बड़ा मतलब उधर बहुत सारे आइलैंड्स हैं। तो इस सेकेंड लार्जेस्ट आर्किपेलागो कंट्री ने फोर्थ प्लेस लिया है टॉप 10 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में। इट हैज़ अराउंड 170 लैंग्वेजेस। फिलीपींस में 170 लैंग्वेजेस हैं, उनमें से इंग्लिश का इतना माना बहुत इंग्लिश बात है। आउट ऑफ ऑल दोज इंग्लिश हैज़ ग्रैब द प्लेस इन द लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस विद फिलिपिनो। उन सब में से इंग्लिश ने प्लेस ली है ऑफिशियल लैंग्वेज की साथ में फिलिपिनो के साथ। फिलिपिनो उधर की मदर लैंग्वेज जैसे यहाँ पे हिंदी है, जापान में जपनी है, जापानी है, चाइना में चाइनीज है, वैसे फिलिपींस में फिलिपिनो है। तो उधर की लैंग्वेज मतलब इंग्लिश और फिलिपिनो उधर की ऑफिशियल लैंग्वेज। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। बट अभी मैं कुछ एडिशनल बात करना चाहूँगी जो मैं पिछले वाले टेक में नहीं कर पाई, मतलब भूल गई थी यार यूएसए वाले में। सो यूएसए, अभी यूएसए में है ना ये सब होने मतलब फर्स्ट कंट्री होने की एक और वजह है, बिकॉज यूएस है ही एक इंग्लिश मॉडर्न कंट्री, इंग्लिश टाइप कंट्री है, उधर की मदर लैंग्वेज भी इंग्लिश है, दैट्स वाई द रीज़न ऑफ देम दिस। सो मैंने वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है, और अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सॉरी इस वीडियो को लेट अपलोड करने के लिए, एंड लाइक अच्छी लगी तो, और कमेंट्स में मुझे टॉपिक्स बताए नए किस टाइप की वीडियो आपको अच्छी लगती है, क्या बुराइयाँ थी इस वीडियो में, क्या अच्छाइयाँ थी इस वीडियो में, आपने क्या एक्सपेक्ट किया था, क्या हुआ, और भी जो भी आपको बोलना है मुझे, जो भी बात करनी है आप बोल सकते हैं, मैं हर कमेंट पढ़ूँगी। तो लाइक शेयर कमेंट एंड टू क्रिएटिव दिवानी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एंड लास्टली थैंक्स फॉर वॉचिंग। ta-da!